Hello and good morning children. Today we are here to learn a new opposite word, new and old. Okay? आज हम लोग अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे. तो आज का अपोजिट वर्ड है न्यू एंड ओल्ड. न्यू का मतलब क्या होता है? नया. और ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना. ओके? सो न्यू का अपोजिट होता है ओल्ड, नया का अपोजिट होता है पुराना. ठीक है? तो आज हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख के पहचानेंगे कि कौन सा न्यू ऑब्जेक्ट है और कौन सा ओल्ड. ओके चिल्ड्रेन? सो वन बाय वन आई विल शो यू ऑब्जेक्ट्स हियर विथ मी एंड यू विल से न्यू और ओल्ड. ठीक है? न्यू और ओल्ड का क्या मतलब होता है? नया और पुराना. नया का उल्टा क्या होता है? अपोजिट वर्ड हम लोग किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्ड का मतलब होता है उल्टा. ठीक है? तो नया का उल्टा क्या होगा? पुराना. यस. न्यू का ओल्ड. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ न्यू? टेल मी. द अपोजिट ऑफ न्यू इज ओल्ड. ओके? सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू, सी दिस इज अ पेन. ओके? आप देख सकते हैं ये पेन है. And here is one more pen, है ना? This is one more pen. So, ये pen आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल new है. इसमें आप देख सकते हैं, इसका refill पूरा fill किया हुआ है ना? ये बिल्कुल भी use नहीं किए हैं. ये थोड़े से भी नहीं लिखा हुआ है. And this pen you can see, ये इससे हमने बहुत सारा लिखा है ना? तब ये refill इतना सारा खत्म हो चुका है. तो जब हम ये नया नया पेन खरीद कर लाते हैं तो ये क्या रहता है? न्यू. क्योंकि इसको हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है. और जब ये हम लोग बहुत बार लिख चुके होते हैं इस पेन से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओल्ड. क्योंकि इससे हमने कई बार लिखा है ना? तो ये है न्यू एंड दिस इज ओल्ड. ओके? नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यू विल सी इज सी. व्हाट आर दीज? क्या है ये? आपको पता है ना? यस, दिस इज इरेजर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरेजर. इससे क्या करते हैं हम लोग? वी इरेज, है ना? जब हम लोग गलती से कुछ गलत लिख देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इरेजर से इरेज करते हैं, है ना? सो दीज आर इरेजर्स. वन इरेजर इज यूज्ड. इसको हमने यूज किया है ना? आप देख सकते हैं इसका ये जो रैपर है ये भी फट गया है. और हम ये यहाँ पे बहुत सारा इसमें गंदा लग गया है. जब हम इरेज करते हैं तो इसमें गंदा लग गया है ना पेंसिल का. यस. एंड दिस इज द अनदर इरेजर विच इज एब्सोल्यूटली न्यू, है ना? ये बिल्कुल न्यू है. आप देख सकते हैं इसका रैपर भी नहीं हटाया है हमने, इसको यूज भी नहीं किया है हमने और इस पर कोई भी गंदा नहीं लगा है ना? सो अब कौन बताएगा इसमें ओल्ड कौन सा है और न्यू कौन सा है? Tell me which is new? Yes, this is new because this is not used a single time. इसको हमने एक बार भी यूज नहीं किया है. ठीक है? And this one is old. ये पुराना हो चुका है. क्यों? क्योंकि इसको हमने बहुत बार यूज किया है इरेज करने के लिए, है ना? तो ये थोड़ा सा गंदा भी हो गया है. ओके? सो नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू. ओके? नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट we will see. What are these? These are candles. मोमबत्ती है ना ये? Candle बोलते हैं इसको हम लोग. Yes. So अब कौन बताएगा इसमें new candle कौन सा है? Which one is new? नया कौन सा है इसमें candle? Yes, this one. This candle is new because इसको हमने एक बार भी जलाया नहीं है. आप देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू है. लंबा सा बड़ा सा जैसे हम लोग इसको मार्केट से न्यू न्यू खरीद के लाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही है. तो ये है न्यू एंड दिस इज ओल्ड, है ना? ये ओल्ड हो गया है क्योंकि इसको हमने जलाया. ये देखो छोटा भी हो गया जलाने के वजह से. यस. सो दिस इज न्यू एंड दिस इज ओल्ड. नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल सी, सी दिस इज अ कॉपी. आपके पास भी होगा ये घर पे इस तरह का कॉपी. सो यू कैन सी दिस इज न्यू क्योंकि हमने इसमें एकदम भी कुछ नहीं लिखा है.
ये एकदम न्यू है. ओके एंड वन मोर कॉपी इज हियर विथ मी. आप देख सकते हैं ये पुराना हो गया है ना, इसमें हमने इतना सारा लिख के रखा है. ओहो ये इतना सारा लिखा हुआ है इसमें और कॉपी भी थोड़ा खराब हो गया है. देख रहे हो पेपर मुड़ गया है, थोड़ा सा गंदा भी दिख रहा है ना. सो दिस इज ओल्ड, ये पुराना हो गया है. सो हु विल टेल मी विच कॉपी इज न्यू, कौन सा कॉपी नया है. यस दिस इज न्यू एंड दिस वन इज ओल्ड. ओके नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू सी इज अ टॉवल. सी आप देख सकते हैं ये टॉवल है ना. ये पता है मैंने यूज किया है, बहुत बार यूज किया है. मैंने इससे अपना फेस पोछा है, हाथ पोछा है, इसको बहुत बार धोया है. सो अब ये पुराना हो गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड. ओके एंड वन मोर टॉवल आई हैव. सी वाओ विच कलर इज दिस. दिस इज रेड कलर. ओके सो दिस इज ऑल्सो अ टॉवल बट आई हैवंट यूज सिंगल टाइम. ओके इसको मैंने एक बार भी यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल नया है. सी इसका टैग भी है इसमें, ये कहीं से फटा नहीं है. इसको मैंने एक बार भी यूज नहीं किया है, ना मेरा फेस पोछा है, ना हाथ पोछा है, और ना इसको एक बार भी मैंने धोया है. ठीक है तो ये क्या है अभी, न्यू. ओके क्योंकि हमने इसको एक बार भी यूज नहीं किया है और ये बिल्कुल अच्छा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू. एंड दिस वन विच आई हैव यूज मैनी टाइम्स दिस इज ओल्ड. ठीक है ये पुराना हो गया है, ये थोड़ा सा फट भी गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड एंड दिस इज न्यू. नाउ यू अंडरस्टैंड. वन लास्ट थिंग इज विथ मी, आई विल शो यू. यस दिस इज अ मोबाइल कवर. आपने देखा होगा ना मम्मी पापा के फोन में कवर चढ़ा होता है. यस सो दिस इज अ मोबाइल कवर. यू कैन सी दिस इज वेरी न्यू, एकदम नया नया है ना. इसमें थोड़ा सा भी कुछ भी खराब नहीं हुआ है बिकॉज ये मैंने कल ही खरीदा था. ओके सो दिस इज न्यू. और एक और मोबाइल कवर मेरे पास है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल खराब हो गया है. ये यहाँ से खराब हो गया है, ये थोड़ा सा फट गया है, इसका कलर फेड हो गया है ना, क्योंकि इसको मैंने बहुत दिन यूज किया है, बार बार यूज किया है, इसीलिए पुराना हो गया है. ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड. माय मोबाइल केस हैज बीन गेट ओल्ड. ओके एंड दिस इज अनदर फोन कवर, ये बिल्कुल नया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू. ओके सो दिस इज अ न्यू मोबाइल कवर एंड दिस इज एन ओल्ड मोबाइल कवर. ये बिल्कुल गंदा हो गया है ना, एकदम पुराना सा, इसीलिए तो मैंने नया वाला लिया है. तो इसको क्या बोलेंगे, पुराना मतलब कि ओल्ड एंड दिस इज अ न्यू वन सो वी विल कॉल नया वाला. ठीक है तो ये है न्यू एंड दिस इज ओल्ड. ओके चिल्ड्रन नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यू एंड व्हाट इज ओल्ड. आप भी अपने घर पे बहुत सारे ऐसे चीज देख सकते हैं जो थोड़े न्यू है और जो ओल्ड है. ठीक है आप भी घर पे इस तरह से कुछ कुछ चीजों को लेकर आप इस तरह से बताओगे मम्मी को पापा को कि मम्मा ये है न्यू एंड दिस इज ओल्ड. इस तरह से आप लोग भी इस अपोजिट वर्ड को घर पे इसी तरह से पढ़ोगे. ठीक है आपके पास किसी तरह का कपड़ा होगा, कोई न्यू ड्रेस होगा तो आप भी बता सकते हो कि मेरा कौन सा ड्रेस न्यू है और कौन सा ओल्ड है. ठीक है न्यू का मतलब क्या होता है, नया एंड ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना. सो न्यू का अपोजिट होता है ओल्ड. ओके चिल्ड्रन व्हाट इज द अपोजिट ऑफ न्यू. यस द अपोजिट ऑफ न्यू इज ओल्ड. न्यू ओल्ड आपको इस तरह से ये अपोजिट वर्ड याद करना है. ओके थैंक यू.